बात बताएं, देखा कहाँ, किसी शादी में देखा, कॉलेज यूनिवर्सिटी, इतने इंटरव्यूज में हम बता चुके हैं, लोग मतलब बोर हो गए। नहीं नहीं कोई बोर नहीं, हमारा शो अलग शो है, अलग व्यूअरशिप है। हाँ, बिल्कुल समझे, मेरे शो में तो पहली दफा है ना, सच कह दें, सब सच, बिल्कुल नहीं। वो तो कॉलेज आई थी, इनके नाना थे मेरे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में, तो ये मुझे से टकराई। ऑफिस जाना था, आप नाना जी से मिलने आई, अम्मी को मिलना था। अच्छा आई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ आता हूँ, मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ा और मैं नाना जी का सबसे होनहार स्टूडेंट भी इत्तेफाक से मैं ही, और ज्यादा ये मुझ पर ही फर्ज बनता है कि उनकी नवासी को मैं उनके ऑफिस तक वहां तक ले गया। तो फिर मैं वहां तक ले गया, और फिर जाहिर है कि बीच में रास्ते में जो भी कुछ मुझे करना था, मुझे नहीं पता चला क्या क्या हो रहा है, रास्ता थोड़ा लंबा था, एड्रेस गलत दिया, टेलीफोन नंबर गलत दिया। गुड आइडिया, मैं इनको जानती नहीं थी, ये एड्रेस और फोन नंबर ले रहे थे, तो मैंने जाहिर है रॉन्ग दिया। लेकिन मैंने इनकी अम्मी को भी थोड़ा बहुत पटा लिया था, नहीं एड्रेस और फोन नंबर पहली मुलाकात में, आप तो बहुत फास्ट निकले, मतलब वापसी में। अच्छा, हां वापसी में, कहीं मैं गुम ना हो जाऊं। देखिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, आजकल अपॉर्चुनिटी बाय फ्लूक मिलती है। हाँ। वो अल्लामा इकबाल के शेर की तरह तो नहीं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जर खेज है साकी। हाँ। अब नम कौन करेगा, पानी कौन डालेगा, हाँ। बियरी कौन करेगा। मैंने कहा मियाँ, ये इंतजार की जरूरत नहीं है। हाँ। डाल दो जो, तो मैंने डाल दिया। हाँ। लेकिन ये कि उनकी अम्मी जो थी वो मुझसे जरा इंप्रेस हुई। इंप्रेस हो गई। हाँ। अच्छा। फिर मैंने उनको बन कबाब, वो नेक्स्ट टाइम फिर आई थी। आप ये नहीं शेर वेर सुनाए तो इंप्रेस हुई। नहीं, मैंने उनको बन कबाब खिलाया। जो कि उनको अभी तक याद है। कॉलेज की कैफेटेरिया ले गया। मैंने बड़ा ख्याल किया, किसी डॉक्टर को ईएनटी में दिखाना था, वहां मैं ले गया। तो मैं पहले से दमादों वाले काम सारे शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता पहले अम्मी जो है उनको पहले सेटल किया कि भाई ये एक अच्छा लड़का है, खानदानी लड़का है। एंड देन फिर उसके बाद आपने कितने अरसे बाद रिश्ता भेजा भाई, या पहले इनको? फिर अम्मी भी गोल हो गई, ये भी गोल हो गई, और दो तीन साल तो बिल्कुल पता ही नहीं चले इन लोगों का। अच्छा, फिर प्रिंसिपल साहब से तो नंबर नहीं ले लिया आपने? प्रिंसिपल साहब से तो लेना, हिम्मत नहीं थी। फिर गायब हो गई जब दो साल तक। फिर देखें, आपकी अगर सिंसियरिटी हो, स्टेडफास्टनेस हो, दिल से चाहत हो, और सेल्फलेसनेस हो ना किसी चीज में, और स्ट्रगल हो, तो फिर वो स्ट्रगल इज बाउंड टू सक्सीड ना, कामयाबी।